जिला मेरा कर्म भूमि रहा है और आज मैं सबकी ओर से, पूरे जिले वासियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। आज जो कुछ भी हूँ, आप सबका मुझे जो स्नेह आशीर्वाद मिला है, शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि आज इस पद तक पहुंचूंगी, लेकिन ईश्वर की कृपा है और आप सबका आशीर्वाद रहा, इस जिले के सभी लोगों का, जिनका कारण आज मुझे ये जिम्मेदारी प्रदेशवासियों को की सेवा करने का मौका मिला। मेरा बड़ा सौभाग्य है, हालांकि कुछ दिन, कुछ महीने पहले आप मेरे गृह निवास, मेरा जो घर है, निवास है, वहाँ शायद आप वहाँ कथावाचक के रूप में आए थे और मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी। उन लोग बहुत बार बार निवेदन कर रहे थे कि आप आए, तो मैंने आपसे क्षमा प्रार्थना करते हुए आपके जो शिष्य थे उनसे कहा कि बहुत आवश्यक कार्य है, मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आगे भविष्य में जब भी होगा, ये मेरा सौभाग्य है कि आज ये शिवरात्रि के दिन मैं 2 दिन के प्रवास में आई थी और मैंने नर्मदेश्वर लिंग महाराज का मैंने एक छोटा सा मंदिर निर्माण किया था और आज ही उसका प्राण प्रतिष्ठा में 2 दिन से पूजा कर रही थी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये मुझे आज अवसर मिला है और आज इस मौके पर मैं सभी लोगों को नव इस शिवरात्रि के पावन दिन के उपलक्ष में आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देती हूँ। और महाराज जी का जो वहां रुद्र प्रयाग कथा का ये जो प्रारंभ हुआ है 9 दिन तक, और ये संयोग है कि आज का शिवरात्रि का दिन भी आपका कथा का मुझे थोड़ा सा सुनने का अवसर मिला और मैं इतना सुनकर थोड़े ही समय में ऐसा लग रहा था कि मैं क्यों नहीं मैं आपके और पहले आती तो ये इसका लाभ लेती हूँ। और ये बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये बात और पहले आती तो ये इसका लाभ लेती हूँ और ये बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये बात सही है कि व्यक्ति आज की भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि जिंदगी में अब वो चाहता है कि एक सुख मिले, शांति मिले मन को, और परिवार में उनका जीवन एक अच्छा सफल हो। और उस दिशा में मैंने आपके YouTube में देखती थी और आपकी ये छोटी छोटी सी बातें, आप जो उनको जीवन में सिखाते हैं, जो पुराने जमाने में जो दादा दादी नाना नानी इस मतलब इस तरह के कुछ नुस्खे देते थे जिसका पालन करते थे और उससे व्यक्ति को बहुत कुछ उसमें उनको एक आराम भी मिल जाता था और बहुत सारी चीजें वो किया करते थे, तो वही सारी चीजें आप फिर से आपने उनको लोगों को जगा दिया है, एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। और दूसरी बात, आप जितने भी भक्त लोग हैं, अगर भगवान में विश्वास है, आस्था है, तो निश्चित रूप से भगवान आपके सामने साकार होकर आपकी मदद नहीं करता है, वो तो अंतर्यामी होता है, वो पता नहीं किस रूप में आपकी मदद के लिए कर जाए, वो आपको पता नहीं होता है। लेकिन इस देश में जब जब भी संकट आया है, भगवान ने लोगों की मदद की है और इसी रूप में भगवान ने शायद हमारे ऐसे कुछ महान ऋषि मुनि हुए हैं और ऐसे कथावाचक के रूप में आप जैसे व्यक्ति यहाँ छिंदवाड़ा में पधारे हैं, भगवान ने आपको भेजा है यहाँ हजारों लाखों लोगों को आशीर्वाद देने, उनको मार्ग दिखाने के लिए।
मैं क्या कहूँ आपके बारे में, जितना बोलूँ उतना ही कम है, लेकिन आज मुझे आशीर्वाद आपका मिले कि अभी तक मैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, अब मैं नॉर्थ ईस्ट का वो क्षेत्र जो कि भगवान भोले शंकर का प्रकृति का वो उनका निवास है उसके पास चली गई हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ के लोगों की मैं सेवा मैं करूँ। बस मुझे आपसे और कुछ क्या कहूँ, बस मुझे आपसे भेंट हो गई। और बाकी जो मेरे मन में था कि पता नहीं कब मौका मिलेगा।